वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बॉर्डर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही टाइम निकाल कर मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले ताकि मैं और भी न्यू डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ये देखिए, यहाँ से ये पत्ती बन चुका है। पत्ती बनने के बाद ये निवान यहाँ पे जो एक गैप है, गैप के यहाँ पे एक निकला हुआ है या दो दो घर बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ जो है ऐसे दो घर बनाएंगे। दो घर हो गया, फिर यहाँ पे साइड में तीन घर। फिर इधर साइड से तीन घर। ये देखिए, ये तीन हो गया, ये भी तीन। ये देखिए, फिर अब इधर साइड से बनेगा, फिर यहाँ पे तीन निकालना है। यहाँ पे गैपिंग तीन होगा, 1 2 3। देखिए, फिर यहाँ से फिर ये गैपिंग करके फिर इधर तीन। तीन घर तीन बार बनाना है। देखिए, एक दो तीन बन चुका है। अब मैं तिरछा बनाऊंगी दो बार, एक दो बन चुका है। अब मैं फिर ये देखिए, पहले एक लेना है, फिर ये एक, फिर ये दो, फिर इधर तीन। डब्बा बनाना है एक लाइन छोड़ के। देखिए, यहाँ पे बना एक, फिर एक बनाकर एक लाइन छोड़कर फिर बनाए, फिर एक लाइन बनाकर एक लाइन छोड़कर बनाए, फिर एक लाइन छोड़ेंगे फिर बनाएंगे। फिर जहाँ पे नहीं बनाए हैं वहाँ पे बनाएंगे। देखिए, ये देखिए गैपिंग में बन रहा है, फिर ऊपर में गैपिंग है वहाँ पे बनेगा। ये देखिए ऐसे, ये वाला है, इधर बना चुकी हूँ मैं। ये देखिए, ये जो एक लाइन बनाए हैं उसके ऊपर बनाएंगे पांच लाइन। पांच लाइन बन गया, फिर इसके ऊपर से बनाएंगे यहाँ से। ये देखिए, पांच लाइन बनाए हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच घर का। फिर ये भी एक दो तीन चार पांच, दोनों यहाँ ये जो बीच है बीच से निकाले हैं ये।
फिर इसके ऊपर से यहाँ से एक घटेगा, फिर यहाँ से सिर्फ तीन बनाना है, तीन घर, दो तीन, तीन हो गया। फिर यहाँ से सेम पांच ही बनेगा, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। चादर के बॉर्डर पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चादर बनाने से पहले ये बॉर्डर बनाएं, फिर चादर बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और भी नया डिज़ाइन सीखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप लोगों के पास न्यू डिज़ाइन हो तो प्लीज़ मुझे बताए, मैं बनाकर बता दूंगी। ये देखिए, ये भी पास लाइन हो गया, फिर सेम इधर भी पास लाइन, जैसे ये वाला लाइन बना है, ये देखिए जैसे ये वाला लाइन बना है, ये भी सेम बनेगा। देखिए ये देखिए पास पास लाइन का बना है, ये पांच लाइन है, ये पांच लाइन, फिर ये तीन लाइन, फिर ये पांच लाइन, ये भी पांच लाइन है। फिर ये इसके ऊपर से बनेगा, ये पांच लाइन ही होगा, ये देखिए। ये दिल जैसा हो गया, हार्ट, हार्ट शेप हो गया ये। फिर यहाँ पे तीन लाइन, ये देखिए हार्ट शेप हो गया है ये। अब यहाँ से बनेगा ये वाला बन गया, अब यहाँ से बीच से बनेगा, ये देखिए ये जो है, ये जो बीच है, यहाँ बीच से नहीं बनाकर ये साइड है, साइड से पांच लाइन बनाएंगे। ये देखिए पांच लाइन बन गया है, फिर इधर से पांच लाइन बनेगा, ये ऐसा बन रहा है ये वाला। फिर अब चार लाइन बनेगा, फिर अब दो लाइन, ये देखिए ऐसा बन चुका है। सेम वैसे यहाँ पे बनाना है, ये जो है बीच वाला, इसका एक लाइन छोड़ देना है। अब सेम इस साइड भी सेम ऐसे ही बनाना है, ऐसे देखिए इधर ऐसे ऐसे सेम, बीच में गैप होगा, ये भी पांच लाइन का ही है, फाइव लाइन।
फाइव लाइन, फिर फोर लाइन, सॉरी ये थ्री लाइन हुआ, फोर लाइन, ये फिर टू लाइन, फिर वन गैप हो गया है, मैं इसे बना दे रही हूँ। ये देखिए फाइव लाइन, फाइव लाइन, फोर लाइन, टू लाइन, ऐसे करके देखिए ऐसा बन चुका है ये वाला, देखिए। फिर मैं ये हार्ट से बनाना बता रही हूँ, ये वाला बनाकर रिपीट फिर से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये भी पांच लाइन है, फिर ये ऊपर से पांच लाइन, अच्छे से बना रही हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कैसे बना रही हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखें तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे वीडियो बना है। ये देखिए अब ये थ्री, ये हार्ट शेप है, ये देखिए थ्री हो गया। और फिर मैं यहाँ से बीच से बना रही हूँ, ये देखिए ये देखिए, ये जो है ला, ये फर्स्ट, ये जो है इसके यहाँ गैपिंग से बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर ये भी फाइव, फिर ये भी फाइव, लास्ट में थ्री हार्ट से बनेगा। फिर ये जो है फर्स्ट, उसमें फिर फाइव बनाएंगे ताकि गैपिंग पता चलेगा कि गैपिंग किधर से, हार्ट शेप का फोर हो गया, फिर ये फाइव हो गया। यहाँ से बनाने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा बीच वाला, यहाँ से बनाने के लिए बीच से नहीं पकड़ के साइड से फाइव 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 तीन बार और फिर एक बार थ्री, फिर ये जो है यहाँ से फाइव बनाना है, फिर ऊपर से लेकर फाइव बनाना है, फाइव लाइन, ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से बने और आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे भी देखिए ये थ्री लाइन बनाना है, वन टू, ये थ्री, ये देखिए हार्ट शेप हो गया, ये हार्ट शेप होगा, ये बीच में गैपिंग करके हाफ हाफ हार्ट होगा। देखिए अब मैं ये पत्ती बनाना बताऊंगी आप लोग, ये देखिए पत्ती बनाने के लिए ये जो हम लोग एक दो तीन चार बार लिए हैं, एंडिंग वाला जो है थ्री, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ से निकालना होगा सेम गैपिंग में, वन लाइन के गैपिंग में फाइव लाइन का बनेगा, टू थ्री फोर एंड फाइव, ये फिर से टर्न करना है, इसको मोड़ना है, मोड़ कर सेम पत्ती बनाना है। ये देखिए मैं थोड़ा अच्छे से समझा रही हूँ, ये देखिए कैसे अब ये पत्ती बनेगा, डायरेक्ट यहाँ से टर्न हो गया, पांच लाइन बनाकर डायरेक्ट मैं मोड़ दी हूँ, ये भी पांच लाइन का ही बनेगा पत्ती के लिए। ये देखिए सेम ऐसा पत्ती बनेगा, देखिए ये तिरछा, ये देखिए पत्ती बनाने के लिए पांच लाइन होकर मैं ऊपर से ऐसे डायरेक्ट ली हूँ, ये भी पांच लाइन हो गया, फिर मैं ऊपर लेकर जाऊँगी। ये पत्ती बना रही हूँ, आप लोगों को ये पत्ती बनाना समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, दूसरा वीडियो में भी मैं पत्ती बनाना बताई हूँ।
इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, क्रॉस स्टिच का बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड की हूँ, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है। मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन मैं डाली हूँ, चादर डिज़ाइन, बॉर्डर डिज़ाइन। ये थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो समझ में आएगा, समझकर ये देखिए ये चार लाइन हो गया है। अब ये जो एंडिंग है वहाँ से एक लाइन गैपिंग करके इसे फिर से ऐसे बनाना है, सेम पांच लाइन का। देखिए देखिए पांच लाइन हो गया। ये बनाने के वक्त ऊपर से बनाना पड़ता है ऐसे, अब ये बनाने के वक्त नीचे से बनाना पड़ेगा ऐसे, एक लाइन घटाना पड़ता है ताकि नीचे में जाकर जॉइंट हो जाए ये डिज़ाइन। ये देखिए ऐसे एक लाइन कमटी बनाना पड़ता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए ये पत्ती कंप्लीट हो चुका है, ऐसे बना है ये पत्ती, ये देखिए कंप्लीट हो गया ये पत्ती, ये देखिए ऐसा डिज़ाइन है। थैंक यू।